फार्म पॉइंट से पानी की बाहर वेस्ट बह के जाता था, खेतों में नुकसान होता था, वो सब रुक जाने से हमारे फायदा हुआ और फार्म पॉइंट से फसल को फायदा हुआ। फसल पैदा करेंगे और इससे साग सब्जी पैदा होगी, पशुओं के लिए पानी पीने के लिए रुक गया और रबी की फसल अच्छी होगी, पानी पिलाने आ जाएगा। कम से कम 130 बीघा के लगभग ज़मीन पी जाएगी। तो जैसे हमारे को लंबाई चौड़ाई बता रखी है 70 बाई 70 की, 70 फुट लंबी और 70 फुट चौड़ाई और 10 फुट गहराई, और इसकी चारों में हम तार बंदी करके फिर रखते हैं जिसके अंदर कोई बाहर का जानवर या डांडा डोर अंदर न बढ़े, और इसकी चारों में पार डला देते हैं खेतों से, और इसकी खुदाई के अंदर जैसे बाहर मेड़बंदी भी हो जाती है इसकी माटी से चार मेर खेत के। पहले मतलब क्या है, इस गांव में एक दो नाड़े थे तो उनमें बरसात से भर गए तो अच्छी पैदा हुई तो फिर धीरे धीरे हम लोगों ने भी 10-15 नाड़े खुदवा लिए गांव में, और उनसे क्या है पहले बिना पानी के एक दो बोरी बिगाई होती थी, अब हमने करीब 8-9 बोरी बिगाई चने और गेहूँ इनसे पानी पिला के पैदा किए हैं, और इंजन से फुहारे से पानी देते हैं, और इन सुपरवाइज़र साहब का AO साहब का बहुत अच्छा सहयोग रहा हमारे को। माँ का कहें पानी की कमी है, खारो पानी जी मांगिए जमीन, तो पहले तो माँ का तो कहें बंदा डोली कर जाऊँ पैदा को ना जी, अब इसी को कहें माँ का सावन की फसल भी आ लाग जा ली, और अब बरसात की कमी रह ली तो फिर उंदेड़ों की फसल माँ का आ लाग जा ली, जो गेहूँ चना सरसियों अयान की पैदा है। पहले तो ये बोला भाई ये शो खुदाओ फिर उसको यार बताया मेरे को भाई उस जगह खुदा उस जगह पानी ज़्यादा डरता, उस जगह नाड़ा खुदवाया उसका पानी पूरा खेत का उसमें आ गया, बहुत बढ़िया वह फसल हो गई, उस वह फसल बचेगी और अगली फसल से फिर फायदा हो गया भी, तो उस दो पानी पाया तीन पाया फिर पानी वापस आया फिर वापस आया करीबन वहाँ का बहुत फायदा हो गया। पहली बोरी दो बोरी बिगा की बैठती है उस पानी के बाद में ये फायदा हुआ पानी डाटवा के लिए तो 8-10 बोरी बिगाई की भी बढ़ जाती है। सर ये फार्म पॉइंट खुदाया तो इसमें मतलब 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ, जिसमें से इस गवर्नमेंट के माध्यम से 50,000 रुपये तो मेरे को सहायता मिली, और इसकी सिंचाई करने पर हमारे को बहुत लाभ हुआ। पहले हमारे 2 बोरी बीघा की सरसों होती थी और हमने इस फार्म पॉइंट का पानी यूज में लिया तो हमारे 6 बोरी बीघा की सरसों बैठने लगी।